कितने भावे पैसे तो माला माल हो गया ये क्या हो गया क्या काम वही उसी बिठा उसी बिठा ले आपको हमारे एक्सक्यूज मी यस यार अभी ना मैं इधर से निकल रहा था तो यार मेरे पॉकेट से ना पैसे गिर गए अच्छा तो आप लोगों ने देखे क्या नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं हमने नहीं देखे नहीं हम तो अभी अभी आए हमने नहीं देखे यहाँ पर हम जस्ट अभी आए यार देखो ऑनेस्टली यार बता दो प्लीज अगर लिए हो तो क्या चाह रहे हैं कि मतलब हमने आपके पैसे लिए हैं आप ऐसा कह कैसे सकते हैं हद हो गई है यार हम चोर लगते हैं आपको यार किसी एंगल से दिख रहा है कि हम लोग चोर हैं देखो यार ऐसा मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको चोर बता रहा हूँ बट यार एक बात ये भी तो है कि अगर मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले अगर यहाँ से गया हूँ और पैसे तो यहीं गिरे हैं तो फिर पैसे चले कहाँ गए तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम यहाँ हैं तो हमने ही तुम्हारे पैसे लिए होंगे तुम समझते क्या हो अपने आप को हमारी गाड़ी दिख रही है तुम्हें दिख रही है हमारी गाड़ी इतने पैसे तो हम यूं उड़ा देते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ये कहने की यार आपको लगता है बुरा लग गया यार आपने देखा अगर आप बता दो बात ऐसी करोगे तो किसी भी लड़की को बुरा ही लगेगा सही बात है बात ऐसी कर रहे हो और फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते और ये हमें ये हमारी कार है आपको लगता है कि हम यहाँ चोरी कर सकते हैं और हम आपके पैसे उठाएंगे यार एक बार देख लेता हूँ यार कहीं गाड़ी वाड़ी के नीचे तो नहीं डाल दिया आपने excuse me जितने तुम्हारे पैसे गिरे ना इतने तो रोज रात क्लब में हम उड़ा देते हैं और हम तुम्हारे पैसे लेंगे wow what a joke कुछ भी मतलब आप किसी के ऊपर भी कुछ भी इंजाम लगा रहे हो आपको दिखता और इनफैक्ट रोड है चलती सड़क है तुम्हारे पैसे गिरेंगे तो कोई ना कोई उठाएगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी आके ब्लेम कर दो यार मैं किसी को नहीं लगा रहा यार एक काम करो वैसे मुझे भी पता है कि यार तुम लोग मुझे ना चोर वोर लग नहीं रहे हो लेकिन फिर भी यार चोर के क्या माथे पे थोड़ी लगा होता है कि यार ये चोर है तो एक काम करो आप अपनी पॉकेट चेक करवा दो तो ऐसे तो जब हम गलत नहीं तो हम तुम्हें अपनी तलाशी क्यों नहीं देंगे कौन जो वही तो मैं कह रहा हूँ जब आपने चोरी करी ही नहीं जब आप गलत हो ही नहीं तो आपको तलाशी भी देने में क्या ही दिक्कत है तो हम आपको क्यों चेक कर रहे हैं आप हो कौन देखो यार मैं तुम पे ना एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ बट मैं तो यार तुमसे ना नॉर्मली पूछ रहा हूँ और वैसे भी जो नोट थे ना वो यार ATM से भी निकाले हुए थे यानी कि सीरियल नंबर में लगे हुए नोट हैं अगर मेरे होंगे ना तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा और अगर नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है मैं आप पे कोई ना आरोप भी नहीं लगाऊंगा अगर होंगे भी तो भी तो प्लीज़ दे दो यार ऐसे तो हमारे पास भी हमारे पैसे थोड़े थोड़े तुम्हारे ही हैं बट यार ये तो मुझे 500 के नोट लग तो रहे हैं हम लोग बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो 10-20 के नोट लेके तो जाएंगे नहीं ऑब्वियसली 500, 1000, 2000 के नोट ही लेंगे और पहली बात तो तुम हमारी गाड़ी से थोड़ा दूर हटके खड़े हो यार बात तो तुमने बहुत सही कह दी कि लोग 500, 1000 और 2000 के नोट लेके जाएंगे लेकिन यार वो अपने भी तो होने चाहिए तो अपने क्या मतलब है कि ये नोट हमारे नहीं है आपके हैं जो हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं कहने का सिर्फ मतलब ही नहीं बल्कि 100% वो नोट मेरे ही हैं और क्या कह रही हो ये गाड़ी तुम्हारी है हाँ जी अच्छा जैसे ये गाड़ी तुम्हारी है ना वैसे ही वो नोट तुम अपने बता रही हो मतलब ना ही ये तुम्हारी गाड़ी है और ना ही वो नोट तुम्हारे अब पॉकेट में हाथ मैं डालूं या तुम खुद निकाल के दे दोगी ये तुम डिसाइड करो पहली बात तो ये है कि आपको किसने बोला कि ये गाड़ी हमारी नहीं है किस प्रूफ के साथ आप ये बोल सकते हो उस प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ जिसके बाद हर किसी को यकीन हो जाता है कि ये गाड़ी मेरी है क्योंकि गाड़ी की चाबी भी मेरे पास है और मेरे नोट भी तुम्हारे पास और ये मुझे पूरा यकीन भैया वो सॉरी पैसे आप ले लो हमसे हमें लगा कोई ऐसी जा रहे नोट पे पड़े हुए मिले हमें तो लगा कि ये वैसे बोल रहे सच में ये आपके ही है दीदी इधर के पैसे ले यार के ही है भैया वैसे आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो तो हमें लगा कि कोई ऐसे बोल रहे प्लीज प्लीज और हां मैं यार एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेरा ऐसा भी कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ ऐसे दिखाऊं लेकिन यार तुम मेरे सोशल एक्सपेरिमेंट में ना खरी नहीं उतरी भैया सॉरी मतलब कि तुम्हारी नियत फिसल गई पता है वो भी पैसा देख के भैया आपने हमारी आप भैया भैया कहने की कोई जरूरत नहीं है चल दफा हो